तो भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी तीसरी सूची जारी कर दी। बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है फमाइल से बाल मुकुंद आचार्य को। उनसे खास बातचीत की, फर्स्ट संध्या ने क्या प्रतिक्रिया उनकी रही, सुनवाते हैं आपको। भाजपा ने अपनी सूची जारी कर दी। अगर हम बात करें हवा महल सीट की, तो महामंडलेश्वर बाल मुकुंद आचार्य जी को टिकट दिया गया है। सर, सबके लिए शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सत्यनारायण जी, मैं समस्त फर्स्ट इंडिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने निरंतर मेरे संघर्ष में साथ दिया और हम लोग सफल हुए। और अब अगला कदम है कि संपूर्ण राजस्थान का विकास हो। राजस्थान के विकास में सर्वोपरि देखा जाता है जयपुर राजधानी परकोटा, और परकोटे का मतलब है अपराकाशी और प्राचीन यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का सौंदर्यकरण और यहाँ का पूरी दुनिया का यहाँ देखने आना। तो ये जो परकोटे की व्यवस्था थी, ये पिछले 5 साल में डुबो दी गई। परकोटे में आप देखेंगे, आप ट्रैफिक जाम है, व्यापारियों के पास व्यापार नहीं है, और जिस प्रकार का एक तरफा माहौल किया उससे तेज़ गति से हिंदुओं का पलायन भी हुआ। तो इन सभी बातों को लेते हुए परकोटे में विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हम लोग तीनों सीट पर विजय होने वाले हैं। आप लगातार एक्टिव और साथ में सत्यनारायण जी बता दूँ, साथ में पूरे राजस्थान में लोग कोई कह रहे 140, कोई कह रहे 160, मैं कह रहा हूँ 200 की 200 पे कमल खिल जाए तो कौन सी भारी बात है, क्योंकि फोकट की गारंटी में विश्वास नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी ली है वह स्वयं गारंटी है, उन्होंने जो कहा है वह करके दिखाया है। ऐसे राष्ट्रीय संत बिना स्वार्थ के निरंतर 18-18, 20-20 घंटे जो काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं से प्रेरित होकर सारे धर्माचार्य भी उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, और उनके राजधर्म में सब लोग अपने धर्म को राष्ट्र धर्म लेकर अपना धर्म मानकर उसमें काम करने का सहयोग कर रहे हैं। आप लगातार एक्टिव रहे थे मंदिरों का तोड़ना, परकोटे को लेकर मंदिर लगातार तोड़ रहे, लोग पैदल चल रहे हैं, आप लगातार एक्टिव थे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? सत्यनारायण जी देखिए, ये बात तो सत्य है, परकोटे में लोग देखने आते हैं वहाँ की सौंदर्य। परकोटे की आप हालत देखें, खाली रात को लाइट जला देने से कुछ नहीं होने वाला परकोटे पे। परकोटे पे दिन में जा नहीं सकते आप, किस प्रकार का जाम है, अव्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है। और हालत यह है कि परकोटे में व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, और वह व्यापार नहीं होने से परकोटे का व्यापारी भी निकल रहा है। फिर एक तरफा काम हो रहा है, बाहर के लोग बांग्लादेशी किस गति से परकोटे में आ गए, उनके कार्ड बन गए और वो वोटर बन गए, और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग पलायन कर गए। तो परकोटे की जिन्होंने दशा बिगाड़ी है उनको ये इस परकोटे की दशा बिगाड़ने का दंड मिलेगा। और ये माने संपूर्ण राजस्थान में ये संदेश जाएगा कि ये जो भगवान की सनातनियों की सरकार आएगी तो ये मानेगी, ये लोग तो फिर भी दुमहात करते हैं, एक तरफ देख के काम करते हैं, हम लोग तो सबका साथ सबका विकास पे विश्वास करते हैं। और वही सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी, प्रहलाद जोशी जी और पूर्व मुख्यमंत्री महोदय और पूरी टीम भाजपा की, भले वो राजेंद्र राठौड़ जी हों या अन्य हों, पूरी टीम मिलकर और पूरे राजस्थान में कमल खिलाएंगे और 200 की 200 सीट पर आकर राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाएंगे। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो संकल्प है मोदी जी का, उस संकल्प को हम लोग 100% पूरा करेंगे। आपका नाम आने के बाद, बालकनाथ के बाद आपको भी सीएम पद माना जाएगा। देखिए, संगठन में कार्यकर्ता सबसे बड़ा पद है, कार्यकर्ता का पद है। जो कार्यकर्ता झाड़ू लगाने वाला है उसको भी काम दिया जा सकता है, कोई कागज लेखन का करता है उसका भी काम दिया जा सकता है। कार्यकर्ता हम लोग दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं और वही बन के काम करना चाहते हैं। ये ऐसी सोच न रखते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो चेहरा है वो कमल का फूल, उसमें लक्ष्मी जी विराजमान है, और कमल के फूल लक्ष्मी जी का जो हिस्सा है उसको थामे हुए सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कमल को थाम कर पूरे भारतवर्ष की सेवा में लगे हैं। तो ये थे बाल मुकुंदाचार्य जी का साफ कहना है कि वो जनता की सेवा के लिए इस क्षेत्र को उन्होंने चुना है, और लगातार पिछले 6 महीने से परकोटे में वो एक्टिव थे। अब देखना ये होगा कि इस टिकट के मिलने के बाद में कांग्रेस अपने पत्ते किस प्रकार से खोलती है। कैमरा जर्नलिस्ट राकेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।